सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल होंदी है जिदे विच काफ़ी लोग इकट्ठे होंदे ने और एक शख्स नूं कुटदे ने और उसकी वीडियो बनाई जाती है। उस तो बाद पुलिस को इसकी दरखास्त आती है और पुलिस वालों कार्रवाई करते हुए दो दोष तीन दोषियों गिरफ्तार किया गया जिन्हों के एक महिला भी ने। वरिंदर खोसा ACP ने साढ़े नाल इस बारे जानकारी देने। खोसा साहब की वायरल वीडियो हो गई सी, पूरी वायरल होने तो बाद तुहाडे कोल किस तरह पता लगा, किस तरह तुसीं इह दोषी गिरफ्तार किए? साडे कोल जी परसों एक मदई भी आया सीगा, वैब पुत्र पवन कुमार बटाला रोड, जिस ने सारी कुटमार की घटना हुई है तो सानू वायरल वीडियोज़ भी मिली सन। जिस तो बाद जदों ही सानू इनफॉर्मेशन मिली असी तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया। इस विच मदई ने दस्या सी कि 19 तरीक नू जदों अपने काम तो वापस ब्राइट डे पब्लिक स्कूल को आया तो उत्थे चार नौजवान जो कि उन्हें जानते सन पहलां तो इन्होंने उसनू अगवा किया, अगवा करके घर लै गए, उत्थे बड़ी बेरहमी नाल इसकी कुटमार भी की तो उस चीज़ की वीडियो बना के अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स से उसनू वायरल करने की भी कोशिश की। जिस तो बाद असी उसके स्टेटमेंट से 323 324 365 379 506 148 नंजे तहत मुकदमा दर्ज करके दोषियों से रेड किए सन। सो हुण तक जो टोटल 5 दोषी उसने बाय नेम लिखवाए सन, उन्होंने 3 दोषी मोहित वालिया, प्रणव अरोड़ा, रीटा वालिया ने उसे अरेस्ट करने कामयाब होए हैं, बाकी दोषियों की हजे पाली जा रही है जी। एक रीटा दोषी जी जो नाम लै रहे हो, एक फीमेल भी इस केस दे विच है, उन्होंने की दोष सीगा कि उन्होंने भी इनवॉल्व किया? जो ये मदई वालों स्टेटमेंट लिखवाई गई उस विच उसने दस्या जो दोष लाया है कि रीटा वालिया वालों ये वीडियो बनाई गई सी मौके पर तो उसके चपेड़ा भी मारिया गई सन। सो ये हजे तक उसका रोल आया, बाकी ये तफ्तीश का मामला, सो तफ्तीश के दौरान ही क्लीयर हो पाऊगा कि उन्होंने की रोल है जी। सर जिहड़ा एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है वीडियो पाउण दा, वीडियो देखण दा, होर कई जानकारियां जिहड़ियां समाजिक जानकारियां सानूं मिलदियां ने, पर पिछले बीते कुछ महीनों तो असीं देखते पए हां इस तरह के मामले बहुत सामने आ रहे। इस मामले दे विच जे गल करिए तो इन्हां दा वीडियो पाउण दा की तरीका ओ सीगा, वजह की सी इहदे पिछे, क्या यह फेम होना चाहते सी, क्या कोई रंजिश रखते सी? ये सोशल मीडिया एक इहो जिहा प्लेटफॉर्म आ जी जिथे कोई भी खबर चंगी माड़ी बहुत जल्दी एम्पलीफाई होंदी है, उन्हूं बड़ी मतलब बड़ी जल्दी वायरल होंदी है, जिस कारण इन्होंने उसनू बेइज्जत करने वास्ते भी पहला उसने भी इन्हां दी वीडियो बनाने की कोशिश की सी, इन्हां दे खिलाफ़ वीडियोज़ पाईयां सन। सो उस चीज़ की रंजिश रखते हुए इन्होंने भी उसकी वीडियो बनाई कुटमार करन दी ते उन्हां नूं अलग अलग अकाउंट तो वायरल करने की कोशिश की ताकि वह अपना अपनी उन्होंने जो रंजिश सी उसकी पूर्ति कर सकन। कोई रंजिश सी जी पहले उसकी वीडियो बनाई गई फिर इन्हां दी बनाई गई, कोई आपस च इन्हां दी दुश्मनी चल रही पई? इस गलते ही आप एक दूजे के खिलाफ वीडियोज़ पाउनी, एक दूजे को माड़ा चंगा बोलना, एक दूजे को हेठी दिखाई, अगले हेठी दिखाई अगले। सो इस चीज़ों के चलते हुए एक दूजे वीडियोज़ बना के वायरल करने की कोशिश करते। खोसा साहब लास्ट सवाल है कि इस तरह जैसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये एहोजी वीडियो आ जाएँ किसी बदनाम करना, क्या यूथ नूं तुसी कोई मैसेज दोगे एज ए पुलिस ऑफिसर के लोग इस बारे समझ सकन? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अजकल सोशल मीडिया के युग के लोगों ने देखो कि मोनिटाइज करके कई इस तो रुजगार भी चला रहे हैं। सो सोशल मीडिया एक चंगे पॉजिटिव वे असं यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया से अलग अलग तरीके से सानू इनफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग जिन्हें भी प्राइवेट हैड्स ने, लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, लोगों डाइटिशन ऑनलाइन डाइट दे रहे हैं, उस तो बाद ऑनलाइन जिमिंग करते हैं इतने। सो मैं लगता कि सोशल मीडिया के बड़े चंगे प्रभाव ने जिन्हों का असी सही तरीके यूज़ कर सकते हैं, बट जो असी नैगेटिव वे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो साडे वास्ते भी प्रॉब्लम क्रिएट करता तो तुहाडे परिवार वास्ते भी कर सकता, क्योंकि कानून बड़े सख्त ने, जो भी अगर किसी की असी प्राइवेसी का खनन करते हैं, अगर किसी तरीके किसी को डीफेम करते हैं तो तुहाडे खिलाफ़ इस तरीके सख्त कार्रवाई हो सकती है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सोशल मीडिया से जिहड़ी वीडियो वायरल हो रही थी जिदे विच एक लड़के नू नाल कुटमार की जिहदे विच लड़की एक औरत भी इनवॉल्व नज़र आ रही है, वो दे उत्ते पुलिस वालों कार्रवाई करते इन्हां दे विचों दो दोषियों गिरफ़्तार कर दिया और तीसरा जिहड़ी औरत गिरफ़्तार की गई है उस टाइम के उत्ते वीडियो बना रही सी जिहड़ी सोशल मीडिया से पाई गई है। इस तो इलावा दो दोषी होर ने जिहड़े कि फरार दसे जा रहे हैं, उन्हां नूं जल्द काबू कर लिया जाएगा। कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा TV, अमृतसर।